हेलो बच्चों, दोस्तों मुझे फुर्सत कहा कि मैं हसीन मौसम देखूं, रसायन की यादों से निकलूं, तो सारा जमाना देखूं, पूरी लीला देखूं। दोस्तों आज हम मेंडली पीरियोडिक टेबल की सभी कमियों को जानेंगे और उसके बाद एक ऐसी टेबल की बात की जाएगी जिस टेबल की मदद से एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन एक बेहतरीन अंदाज में की जाएगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उस टेबल का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या बेस है, इसकी बात होगी किस प्रकार से एलिमेंट्स को एक बेहतरीन अंदाज में क्लासिफाई किया गया है, इसकी भी बात की जाएगी। तो चलिए आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। डिफेक्ट क्या है मेंडली पीरियोडिक टेबल में? पॉइंट नंबर वन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। देखिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं किसके साथ, ग्रुप वन ए में रखे एलिमेंट्स के साथ। हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल होती हैं। और किसके साथ, देखिए ग्रुप सेवन ए में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके साथ भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज रिजेंबल होती हैं। तो देखिए मेंडलीव ने ये बिल्कुल नहीं बताया कि हाइड्रोजन को ग्रुप वन में रखा जाए या ग्रुप सेवन में रखा जाए। जी हाँ, वन ए या फिर सेवन ए में रखा जाए। इट हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप वन ए एंड सेवन ए बिकॉज ऑफ इट्स रिजेंबलेंस विद बोथ द ग्रुप्स। उनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को दोनों में ही प्लेस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन को किसी एक ग्रुप में प्लेस होना चाहिए था, अनसर्टेन हो जाएगी ऐसे तो हाइड्रोजन की पोजीशन। तो ये क्या है, डिफेक्ट है मेंडली पीरियोडिक टेबल का। आगे देखिए पॉइंट नंबर टू, नो सेपरेट पोजीशन वर गिवन टू आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन इस प्रकार से एग्जिस्ट कर सकता है, H11, H21, H31। ये देखिए इनको आइसोटोप्स बोला जाएगा, ऐसे वेरिएंट्स जिनका मास डिफरेंट है, जिनका मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। एलिमेंट के ऐसे वेरिएंट जिनका मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, इन्हें हम बोलेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए कोई भी सेपरेट पोजिशन मेंडलीव की टेबल में नहीं है। तो ये भी इसका क्या होगा, डिफेक्ट होगा। आई होप पॉइंट नंबर टू को भी आपने अंडरस्टैंड किया है। देखिए इसके बाद बारी है थर्ड पॉइंट की। इट इज नॉट क्लियर वेदर लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर रिलेटेड टू 2A और 2B एलिमेंट्स। ग्रुप 2A और 2B एलिमेंट से लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स रिलेटेड हैं या नहीं है, इसके बारे में कोई आइडिया मेंडलीव को नहीं था। आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, लेंथेनाइड्स एटॉमिक नंबर 57 से एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक के एलिमेंट्स होंगे, और इसके अलावा एक्टिनाइड्स एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक के एलिमेंट्स होंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं। डिटेल में इनसे रिलेटेड हमारा डिस्कशन होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें पॉइंट नंबर फोर के बारे में जानना है। देखिए पॉइंट नंबर फोर क्या है, देयर इज नो रिजेम्बलेंस, देयर इज नो रिजेम्बलेंस एक्सेप्ट वैलेंसी ऑफ सब ग्रुप ए एंड बी। देखिए सब ग्रुप ए एंड बी में प्लेस्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती हैं। मेंडलीव ने फिर क्या किया, मेंडलीव ने कुछ नहीं किया, वैलेंसी के बेसिस पर एलिमेंट्स को उस पर्टिकुलर ग्रुप में रखा। जी हाँ, वैलेंसी मैच होंगी तो हाइड्राइड एंड ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला भी मैच होगा। ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि वैलेंसी मैच होंगी तो प्रॉपर्टीज भी मैच होंगी। बाद में और एक्सपेरिमेंट्स हुए तो ये पता चल पाया सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी में जो एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं पर्टिकुलर ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती हैं। यानी मेंडलीव की टेबल तहस नहस हो गई। इसके बाद चलिए आगे चलना है, पॉइंट नंबर फाइव की तरफ बढ़ना है। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इज नॉट फॉलोड इन सम केसेस। देखिए किन केसेस में एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं हो पाया। मेंडलीव ने जो अपनी मॉडिफाइड टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया और डिस्कवरी होती गई और एलिमेंट्स को अरेंज किया,
जैसे नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद उनको साइन किया गया जीरो ग्रुप, उसके बाद ये चेक किया गया कि ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास फॉलो होगा, देखिए नहीं फॉलो होगा, कौन कौन से केसेस में नहीं फॉलो होगा, ऐसे एनामोलस पेयर्स कौन कौन से हैं, देखिए याद करना है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। आर्गन से पोटासियम तक अगर आप जाएंगे तो आप देखिए एटॉमिक मास इंक्रीज नहीं होगा, आर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा है, पोटासियम का एटॉमिक मास कम है। यहां देखिए टी से आई तक जाएंगे, टेल्यूरियम से आयोडीन तक जाएंगे, एटॉमिक मास डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होना चाहिए था। सीओ से एनआई तक जाएंगे, एटॉमिक मास इंक्रीज होना चाहिए था लेकिन देखिए डिक्रीज हो गया। यहां देखिए टीएच से पीए तक जाएंगे, एटॉमिक मास टीएच का क्या है 232 है, और यहां देखिए पीए का क्या है 231 है, तो एटॉमिक मास डिक्रीज हो गया। एटॉमिक मास तो क्या होना चाहिए था, एटॉमिक मास इंक्रीज होना चाहिए था, यानी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास कुछ केसेस में फॉलो नहीं हो पाया। कौन से टेबल में, मेंडलीव टेबल में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या है, अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, देखिए डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में प्लेस किया गया, कैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा, आइए इसके प्रमाण को देखने के लिए आगे चलते हैं। बात की जाएगी ग्रुप वन के एलिमेंट्स की, अगर आपको याद हो मेंडली पीरियोडिक टेबल और ग्रुप वन याद हो तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इसको टू सब ग्रुप्स ए एंड बी में डिवाइड किया गया है, और ये देखिए सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम इस प्रकार से, और सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स देखिए कौन से हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये देखिए सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इन एलिमेंट्स में रिजेम्बलेंस नहीं है, जी हाँ इन एलिमेंट्स में रिजेम्बलेंस नहीं है, कैसे नहीं है ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रुप वन ए के एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, दीज एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव काफी ज्यादा रिएक्टिव हैं एंड काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। लेकिन अगर बात की जाए इन एलिमेंट्स की, दीज एलिमेंट्स आर लीस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो देखिए कैसे इन एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा जा सकता है जब इनकी प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं होती हैं। मेंडलीव के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, अगर प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती हैं तो फिर इनको सेम ग्रुप में क्यों रखा। मेंडलीव के कॉन्सेप्ट की ऐसे कुछ बातों ने जो हमने यहां पर डिस्कस की हैं जड़े हिला दी, और मेंडलीव ने भी हार मान ली, और ज्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, मेंडलीव ने हार माननी शुरू कर दी, मेंडलीव के टेबल हार गई। इसके बाद मोजले नाम के साइंटिस्ट ने एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी बात की जाएगी। उससे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अभी तक जितना हमने डिस्कशन किया है इससे रिलेटेड हमारे सामने है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस लॉ पर बेस्ड है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है, और ये किस पर बेस्ड है, ये इस बात के ऊपर बेस्ड है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एटॉमिक मास की बात की गई है, ऑप्शन नंबर 2 है, जी हाँ एलिमेंट्स को मेंडलीव ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। देखिए आप मेंडलीव की उस टेबल को जानते होंगे जिस टेबल के बारे में हमारा डिस्कशन प्रीवियस सेशन में हो चुका है, उस टेबल की मदद से मेंडलीव ने अपने टाइम पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हुए दिखाया और बताया एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखे
एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ये बात अलग है, जैसे जैसे और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और रिसर्च इन्वॉल्व हुई, लोगों ने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को और डिटेल में जाना, उसके बाद मेंडलीव की टेबल की जड़ें हिल गई। लेकिन उस टाइम की सबसे ज्यादा अच्छी टेबल थी मेंडलीव की टेबल। आइए इसी बात के ऊपर बेस्ड इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स सिस्टमैटिकली वॉज मेड बाय। देखिए न्यूलैंड ने ऐसा नहीं किया था, डोबरनियर ने भी ऐसा नहीं किया था, लोथर मेयर से भी ज्यादा एलिमेंट्स अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो पाए थे सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ। देखिए मेंडलीव ने सबसे ज्यादा एलिमेंट्स को अरेंज करते हुए एक बेहतरीन अंदाज में टेबुलर फॉर्म में उनको अरेंज किया था। इन चारों में सबसे ज्यादा सिस्टमेटिकली मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन वन होगा। आई होप आप भी इसके राइट आंसर तक पहुंच चुके हैं। ये लीजिए मोज़ले एक्सपेरिमेंट का हमें इंतजार था और अब हम बात करेंगे मोज़ले एक्सपेरिमेंट की। मोज़ले ने क्या किया? हेनरी मोज़ले बम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सर्फेसिस एंड ऑब्टेन्ड एक्सरेज। जी हाँ, हैवी मेटल्स के ऊपर जैसे ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होगी तो क्या होगा? एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। इससे क्या होगा? एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी को नोट किया गया, रूट फ्रीक्वेंसी अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ प्लॉट किया गया। देखिए एटॉमिक मास के साथ जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ग्राफ इस प्रकार से जिगजैग मिलता है, यानी कोई पैटर्न यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन एटॉमिक नंबर के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ अंडर रूट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया जाए, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर और एटॉमिक नंबर को एक्स एक्सिस पर कंसीडर करते हुए इस प्रकार से हमें रेगुलरिटीज मिलती हैं, यानी ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। इससे ये प्रूफ हुआ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर ज्यादा डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पर। मेंडलीव की टेबल का बेस क्या था? एटॉमिक मास था। यहां से मोज़ले ने प्रूफ किया कि जैसे एक्सरे की फ्रीक्वेंसी रूट के साथ एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट की गई तो यहां से हमें ग्राफिकली रेगुलरिटीज मिलती हैं। क्या रेगुलरिटीज मिलती है? देखिए स्ट्रेट लाइन मिलता है ग्राफ, और इन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन भी एस्टेब्लिश किया। क्या रिलेशन था? देखिए रूट वी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ए एंड बी क्या होंगे? ये कॉन्स्टेंट होंगे, एंड बी आर कॉन्स्टेंट, जेड इज एटोमिक नंबर, जेड क्या होगा? एटोमिक नंबर होगा। इसके बारे में ज्यादा डिटेल आप 12th क्लास में फिजिक्स में जानेंगे। देखिए फिजिक्स में एक्सरे नाम का एक चैप्टर होगा, वहां पर इससे रिलेटेड आप ज्यादा डिटेल जानेंगे। अभी केवल अपने को बेसिक पार्ट ही इसका कवर करना है, कैसे एटोमिक नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है इसको हमने अंडरस्टैंड किया। तो जेड क्या है यहां पर? जेड इज एटोमिक नंबर। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। देखिए किस प्रकार से अंडर रूट फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के साथ रिलेटेड है, ये आपने नोट किया, और एटॉमिक मास के साथ रेगुलरिटीज देखने को नहीं मिलती हैं, ग्राफ ऐसे देखने को मिलता है। यानी हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की किस पर डिपेंड करेंगी? प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर ज्यादा डिपेंड करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पर ज्यादा डिपेंड करेंगी। और यही बेस है किसका? तो देखिए यहां से हम ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास के ऊपर उतने डिपेंड नहीं करती जितनी ज्यादा एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। रूट वी और रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक मास ग्राफ देखिए ऐसा मिलता है, या वी फ्रीक्वेंसी है, या हम बोल सकते हैं न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। इस टाइप का ग्राफ मिलता है, यानी इस प्रकार से रेगुलरिटीज नहीं मिलती हैं। रूट वी और रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर के ग्राफ में इस प्रकार की रेगुलरिटीज मिलती हैं, जो कि मोज़ले इक्वेशन से आसानी के साथ अंडरस्टैंड भी की जा सकती हैं। देखिए किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस पर ज्यादा डिपेंड करेंगी? एटॉमिक नंबर पर। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को हम डिफाइन करेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पर, एटॉमिक नंबर पर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। आगे चलकर हमें मेन मुद्दा ये डिस्कस करना है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हमें मोज़ले इक्वेशन पर बेस्ड इस बेहतरीन क्वेश्चन को सोल्व करना है। इन द ग्राफ बिटवीन अंडर रूट वी एंड जेड फॉर मोज़ले इक्वेशन, मोज़ले इक्वेशन आपके सामने है, ये रूट वी है। देखिए मोज़ले इक्वेशन इज रूट वी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, द इंटरसेप्ट ओ एक्स इज माइनस वन ऑन रूट वी एक्सिस। देखिए जो इंटरसेप्ट ओ एक्स है ये क्या है, माइनस वन है। आइए इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमें एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड करें, ताकि स्लोप हमें यहां से मिल जाए, इंटरसेप्ट यहां से मिल जाए, और आसानी के साथ हम ये कैलकुलेट कर पाए। क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी व्हेन एटॉमिक नंबर z इज 51। एटॉमिक नंबर 51 हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी हमें बात करनी है। तो ध्यान से देखिए इस केस में हमें क्या करना होगा, इसको हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में तब्दील करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए ब्रैकेट को ओपन करना होगा, रूट वी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस ए बी। ध्यान से देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना होगा, y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट ये सी है, y इंटरसेप्ट ये माइनस वन है। इससे कंपेयर करने पर माइनस ए बी आपको क्या मिलता है, माइनस ए बी आपको माइनस वन मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास माइनस ए बी माइनस वन के इक्वल है। तो यहां से देखिए ए इंटू बी वन के इक्वल है। अब देखिए यहां पर हमें एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है 45 डिग्री। इस एंगल से स्लोप की बात की जा सकती है, क्या स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा देखिए tan 45 डिग्री स्लोप m, m इज इक्वल टू 1 tan 45, 1 होता है। तो देखिए यहां से हमें स्लोप क्या मिलता है, अगर आप ध्यान से देखें स्लोप m आपको मिलता है a के इक्वल, स्लोप m इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपेयर करने पर देखिए हमें जो कोफिशियंट मिलता है x का ये क्या होगा, स्लोप होगा, स्लोप m होगा, जी हां, और ये tan 45 डिग्री के इक्वल है, और ये देखिए a के इक्वल भी है, यानी a किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, a इंटू बी 1 है, a 1 के इक्वल है। तो यहां पर a को 1 पुट करने के बाद b क्या मिलता है, b 1 मिलता है। अब देखिए रूट वी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, या हमारे पास ए भी है बी भी है, हम आसानी के साथ वी कैलकुलेट कर पाएंगे या न्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए यहां पर ए वन है बी वन है और जेड हम जानते हैं क्वेश्चन में गिवन है 51 है। तो यहां से देखिए हमें रूट वी क्या मिलता है, ये हमें मिलता है 50 के इक्वल। देखिए पावर टू दोनों तरफ करने पर क्या मिलता है, वी इज इक्वल टू 2500। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2500, क्या यूनिट होगी, सेकेंड इनवर्स होगी और एच जेड होगी, या इसको बोल सकते हैं हर्ट्ज होगी। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके होंगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, अब हमें यह जानना है, या आप जानते होंगे जितना मोज़ले एक्सपेरिमेंट से हमें जानना था, यानी जितना मोज़ले एक्सपेरिमेंट को केमिस्ट्री की दुनिया में अंडरस्टैंड करना था उतना हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, ये ज़्यादा एटॉमिक नंबर पर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पर उतनी डिपेंड नहीं करती हैं। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इसी बात पर बेस्ड है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स चेंज होंगे तो देखिए प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एटॉमिक नंबर जब चेंज होगा तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ आपको मिलेंगे। इसको जानने के लिए, इस पूरी माया को जानने के लिए हमें यहां पर लॉन्ग फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड करना होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोर बरी
एंड रैंक वर्नर पीरियोडिक टेबल, जी हाँ, इन सभी साइंटिस्ट का अहम योगदान था इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करने में। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की हमें बात करनी होगी। इट इज बेस्ड ऑन बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक नंबर, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पूरी माया यूज होगी, एटॉमिक नंबर यूज होगा। कौन सी टेबल में? देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के दौरान, क्लासिफिकेशन के दौरान एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए, पॉइंट नंबर वन के बाद बारी है पॉइंट नंबर टू की। दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय रैंग एंड वर्नर। देखिए, नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है मॉडल, लेकिन इस मॉडल के पीछे जो पूरा दिमाग था ये रैंग एंड वर्नर का था। इन्होंने ही ऐसा मॉडल डिजाइन किया और बोर बरी की उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक बेहतरीन टेबल को डिजाइन किया, जिसमें 7 पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको ग्रुप्स बोलते हैं। आप जानते होंगे हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलते हैं। कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। और वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोलते हैं। कितने ग्रुप्स हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम हैं और 18 ग्रुप्स हैं, जिनको हम 1 to 18 नंबरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए, पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई करने से पहले एलिमेंट्स को हमें यह जानना होगा एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखे एलिमेंट्स के लिए क्या बात वैलिड होगी। ध्यान से सुनिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखे एलिमेंट्स के लिए ये बात वैलिड होगी, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल, सो देयर प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो सिमिलर। ध्यान से सुनिए, अगर एलिमेंट एक पर्टिकुलर वर्टिकल कॉलम में या ग्रुप में प्लेस्ड है, तो हम बोल सकते हैं उन एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जी हाँ, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कौन सी टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे ग्रुप वन में, ग्रुप वन में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल क्या होंगे? ये इन सभी के लिए 1 के इक्वल है। देखिए, बात इन सभी एलिमेंट्स के लिए वैलिड है। ऐसे ही ग्रुप टू में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। और इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल किसके इक्वल है? ये 2 के इक्वल है। यानी अगर वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हुए तो बॉन्डिंग पैटर्न सेम होगा, इससे प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। आई होप इस पॉइंट को आपने नोट किया होगा। चलिए, इसके बाद बारी है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। पीरियोडिक टेबल का पूरा स्केलेटन आपके सामने है। ध्यान से देखिए, एलिमेंट्स को कितनी कैटेगरीज में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई किया गया है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन कैटेगरीज में एलिमेंट्स को हमें क्लासिफाई करना होगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेंडली पीरियोडिक टेबल से भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आसान बना सकते हैं। कैसे? यहां देखिए, ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस प्रकार से ये आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स हैं। जी हाँ, वर्टिकल कॉलम्स हैं। कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं? देखिए, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। पीरियड्स देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ध्यान से देखिए, कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप्स देख चुके हैं आप,
नंबर ऑफ ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स 18 है। नंबर ऑफ पीरियड्स आप देख चुके हैं कितने हैं, ये 7 है। आपने काफी सारे एलिमेंट्स को मेनली की पीरियोडिक टेबल में याद किया होगा। देखिए ग्रुप 1 में रखे एलिमेंट्स या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां प्रेजेंट होंगे, या ग्रुप नंबर 1 में होंगे। 2 में रखे एलिमेंट्स कहां होंगे, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 में प्रेजेंट होंगे। देखिए 3 में रखे एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट होंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 में होंगे। 4 में रखे एलिमेंट्स ग्रुप 14 में होंगे। 5 में रखे एलिमेंट्स 15 में होंगे। 6 में रखे एलिमेंट्स 16 में होंगे। 7 में रखे एलिमेंट्स 17 में होंगे। और 0 ग्रुप जो आपकी मेंडलीव टेबल है उसका एक्सटेंडेड वर्जन जो था उसमें 0 ग्रुप भी था। ये देखिए 0 ग्रुप के एलिमेंट्स कहां होंगे, या 18th ग्रुप में होंगे। अब देखिए सब ग्रुप बी में रखे एलिमेंट्स किस प्रकार से प्रेजेंट होंगे, ये देखिए 3B में प्रेजेंट एलिमेंट्स यहां होंगे, 4B के एलिमेंट्स यहां होंगे, 5B के यहां होंगे, 6B के यहां होंगे, 7B के यहां होंगे। और ये देखिए ये ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं। अगर आपको याद हो 3 रोज थी इस प्रकार से 1 2 3 3 एलिमेंट्स के साथ, ये कौन सा ग्रुप था, ग्रुप 8 था। कौन सी टेबल में, ये ग्रुप 8 था मेंडलीव टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये देखिए ग्रुप 8 ग्रुप 9 ग्रुप 10 है। आगे देखिए या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 11 के एलिमेंट्स हैं ये मेनली पीरियोडिक टेबल में कहां प्रेजेंट थे, 1B में। ग्रुप 12 के एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट थे, 2B में प्रेजेंट थे। आई होप ये माया आपने अंडरस्टैंड की होगी। ये देखिए 2 रोज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं, इसके बारे में मेनली पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। आज के सेशन में हमने बात की लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स के बारे में, मेंडलीव कुछ नहीं बता पाए थे। यानी लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अंडरस्टैंड करना है। इस प्रकार से ब्लॉक्स होंगे, ये देखिए यस ब्लॉक होगा, यस ब्लॉक होगा, ये कौन सा ब्लॉक होगा, ये डी ब्लॉक होगा। यहां से यहां तक ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक कौन सा ब्लॉक होगा, ये डी ब्लॉक होगा। देखिए ग्रुप 1 से ग्रुप 2 तक एस ब्लॉक होगा। यहां देखिए ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक ये कौन सा ब्लॉक होगा, ये होगा पी ब्लॉक। और नीचे आप देख रहे हैं ये 2 सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये कौन सा ब्लॉक होगा, देखिए एफ ब्लॉक होगा। एफ ब्लॉक के अंदर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक रिप्रेजेंट करेंगे। एफ ब्लॉक में 90 से 103 तक भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए एक रो में एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक प्रेजेंट हैं, दूसरी रो में एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक प्रेजेंट हैं। और इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी पीरियोडिक टेबल से इस प्रकार से सेपरेटेड होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होगी, इसलिए इनको इस प्रकार से 2 डिफरेंट रोज की फॉर्म में इंडिकेट किया गया है। ये 4F एलिमेंट्स हैं, ये 5F एलिमेंट्स हैं। इस प्रकार से 4F एंड 5F का क्या मीनिंग है इसको भी हम जानेंगे। तब तक के लिए हमें इनको 1 by 1 क्लासिफाई करना होगा S ब्लॉक P ब्लॉक D ब्लॉक एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स की फॉर्म में। कैसे क्लासिफाई करना होगा, देखिए सबसे पहले हमें बात करनी है S ब्लॉक एलिमेंट्स की। S ब्लॉक में इन एलिमेंट्स के अलावा और 2 एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं। जी हाँ, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मैच होती हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट से भी और ग्रुप 17 के एलिमेंट से भी। तो हाइड्रोजन का एक डिफरेंट बिहेवियर है जो आप जानते भी होंगे, पहले मेंडलीव टेबल में भी इससे रिलेटेड हमारी बात हो चुकी है। और एक और एस ब्लॉक एलिमेंट हीलियम है। देखिए हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है एस सबसेल में। हीलियम की प्रॉपर्टीज ग्रुप 18 एलिमेंट से मैच होती हैं। वैसे पीरियोडिक टेबल में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के साथ, लेकिन कौन सा ब्लॉक होगा इसका, ब्लॉक होगा एस। एस ब्लॉक क्यों होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल के अंदर एंटर होगा। जी हाँ, सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, ताकि इस टाइप के एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में हमें काफी ज्यादा आसानी हो। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं,
एलिमेंट्स इन विच, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू एस सबसेल आर कोल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर होगा, ऐसे एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स ही बोला जाएगा, चाहे रखा कहीं पर भी हो, लेकिन ब्लॉक क्या होगा, एस होगा। देखिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, हाइड्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन है, 1s में वन इलेक्ट्रॉन होगा, कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगी। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगी। देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में ही एंटर हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन एंड हीलियम को भी एस ब्लॉक में ही इंक्लूड किया गया है। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन एलिमेंट्स को बोलेंगे, जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा एस सबसेल में, जब हम कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको और ज्यादा बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट कर पाएंगे। देखिए, इनकी जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, इनकी जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। N क्या है, N इज पीरियड नंबर है। और S ब्लॉक एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट होंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में प्रेजेंट होंगे, ये आप देख सकते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा एस सबसेल में, एन होगा पीरियड नंबर। ये देखिए, लिथियम के लिए पीरियड नंबर क्या होगा, 2 होगा, सोडियम के लिए 3 होगा, पोटासियम के लिए 4 होगा, रुबिडियम के लिए 5 होगा, सीजियम के लिए 6 होगा, फ्रेंसियम के लिए 7 होगा। इस प्रकार से बेरिलियम के लिए भी पीरियड नंबर 2 होगा, मैग्नीशियम के लिए 3 होगा, कैल्शियम के लिए 4 होगा, स्ट्रोंटियम के लिए 5 होगा, बेरियम के लिए 6 होगा और रेडियम के लिए क्या होगा, 7 होगा। इन एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक भी आपको बताई जा चुकी है। हलीना की रब से फरियाद। आई होप इस ट्रिक को भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा और इससे भी आपने एलिमेंट्स को याद किया होगा। इस प्रकार से आपको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स मिलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। इससे ये देखिए, ये एलिमेंट्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, यानी ये ट्रिक है किसके लिए, ये ट्रिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को याद करने के लिए। और ये सभी एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इस प्रकार से कौन कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं। देखिए, ग्रुप नंबर वन है, जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ है, देखिए एस सबसेल में ही एंटर हुआ है। पीरियड नंबर देखिए, N=1, N=2, N=3, N=4, N=5, N=6, N=7। किस प्रकार से जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा सकती है। देखिए, पीरियड नंबर 1 है, ये होगी 1s1, पीरियड नंबर 2 है 2s1, पीरियड नंबर 3 है ये 3s1, पीरियड नंबर 4 है 4s1, पीरियड नंबर 5 है 5s1, पीरियड नंबर 6 है जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। तो यहां से देखिए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलती है, एन को 1 पुट करने के बाद, 2 पुट करने के बाद, 3 पुट करने के बाद, 4 पुट करने के बाद, 5, 6 पुट करने के बाद, अब वक्त हो गया है फ्रेंसियम के लिए एन को 7 पुट करने का। इससे देखिए क्या मिलती है, 7s1 मिलती है। देखिए, ग्रुप नंबर 1 है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। आई होप आपने ग्रुप नंबर 1 की पूरी माया को अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए, बारी है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की। ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, ये एलिमेंट्स भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। देखिए, इसके लिए हम जानेंगे ट्रिक 2। इन एलिमेंट्स को जानने के लिए, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को जानने के लिए हमारे सामने ट्रिक 2 है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमारा डिस्कशन प्रीवियस सेशन में हो चुका है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। देखिए,
बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंटियम, बाप से बेरियम, राजी से रेडियम। इन एलिमेंट से रिलेटेड हमारा डिस्कशन प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हो चुका है। तो देखिए इन एलिमेंट्स को इस प्रकार से एक पर्टिकुलर ग्रुप में हमें अरेंज करना होगा और ये ग्रुप ग्रुप टू होगा। क्यों होगा ग्रुप टू? इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हैं। कैसे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। इन सभी एलिमेंट्स के लिए जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के लिए जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। यानी अगर N की वैल्यू 2 हो, किसके लिए वैल्यू 2 होगी? देखिए लिथियम के सामने कौन होगा? लिथियम के सामने बेरिलियम होगा, सोडियम के सामने मैग्नीशियम होगा, पोटासियम के सामने कैल्शियम होगा, लिथियम सोडियम पोटासियम, रूबीडियम के सामने स्ट्रोंटियम होगा, सीजियम के सामने बेरियम होगा, और यहाँ पर फ्रेंसियम के सामने कौन होगा? रेडियम होगा। N की वैल्यूज किस प्रकार से वेरी होंगी? N2 होगा इसके लिए, N3, N4 पीरियड नंबर इस प्रकार से वेरी होगा, आपके सामने है। और कहाँ तक वेरी होगा? 7 तक वेरी होगा। देखिए पीरियड नंबर 2 है तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2s2। इसकी क्या होगी? 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। है ना बिल्कुल जादू? इसी जादू को रैंग एंड वर्नर ने यूज किया। जी हाँ, और ग्रुप 2 में इस प्रकार से इस बेहतरीन अंदाज में एलिमेंट्स को अरेंज किया। देखिए ग्रुप नंबर 2 है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसलिए ही ग्रुप नंबर 2 है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, उन सभी एलिमेंट्स को यहां ग्रुप 2 में प्लेस किया गया है। आई होप आपने ग्रुप 2 के एस ब्लॉक एलिमेंट्स को भी जान लिया होगा। अब देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? ग्रुप वन एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होंगे। ग्रुप 1, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होंगे और इन एलिमेंट्स में हमें इंक्लूड करना होगा हाइड्रोजन एंड हीलियम को। जी हाँ, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 एलिमेंट से भी रिजेंबल होती है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस सबशेल में ही एंटर होगा। हाइड्रोजन भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, हीलियम भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, इस केस में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में ही एंटर होगा। इनको भी हमें इंक्लूड करना होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। देखिए कौन कौन से एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन हो चुका है। अब हमें एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड कुछ जनरल बातें जाननी ताकि हम ज्यादा फैमिलियर हो पाए एस ब्लॉक एलिमेंट से। पॉइंट नंबर 1, आप जानते होंगे जिन एलिमेंट्स के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल और एस सबशेल में एंटर होगा, उन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? उन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। आई होप पॉइंट नंबर 1 आपने अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है? एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। और ये आपके सामने है, कौन सा ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल। तो देखिए एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे? 2 ग्रुप्स होंगे। एक ग्रुप ऐसा होगा जिस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स में वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 1। और एक ग्रुप ऐसा होगा जिस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 2 मिलेंगे। जी हाँ, जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एक ग्रुप के एलिमेंट्स की NS1 होगी और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स की NS2 होगी। N क्या होगा? पीरियड नंबर होगा 1 to 7, वेरी करता होगा। आई होप 1, 2, 3 पॉइंट आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये आप जानते हैं ग्रुप वन के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। दीज एलिमेंट्स आर नेम्ड एज एल्कली मेटल्स। ग्रुप टू के एलिमेंट्स को क्या बोला गया है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जी हां, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों बोलते हैं? ये पूरी कहानी आपके सामने है, जल्दी से इसको अंडरस्टैंड कीजिए, हमें जल्दी से आगे चलना है। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें बात करनी है
टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, एस ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल कितने होंगे? देखिए, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबीडियम सीजियम फ्रेंसियम यहां तक 12 होंगे, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम यहां तक देखिए कितने होंगे, 6 यहां तक होंगे, टोटल कितने होंगे? 12 होंगे। जी हाँ, 6 यहां से मिलते हैं, 6 यहां से मिलते हैं, टोटल 12 मिलते हैं। और हाइड्रोजन एंड हीलियम को कैसे भूल सकते हैं, इनको भी अगर मिलाएंगे 6+6+2 कितने हो जाएंगे, 6+6 12 हुए और 2 ये हुए 14 हुए। जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स 14 होंगे। फ्रेंसियम एंड रेडियम आर रेडियोएक्टिव, जी हाँ, स्टेबल नहीं होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, स्टेबल होंगे। और इन स्टेबल में हाइड्रोजन एंड हीलियम क्या होंगे, गैसियस एलिमेंट होंगे, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते होंगे। और इनके अलावा देखिए फ्रेंसियम एंड सीजियम लिक्विड होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, सॉलिड होंगे। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस हैं, सीजियम फ्रेंसियम लिक्विड हैं, और इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, ये सॉलिड्स हैं। आई होप आपने इसको भी अंडरस्टैंड किया होगा। फ्रेंसियम रेडियम स्टेबल नहीं है, ये रेडियो एक्टिव है, और बाकी क्या है, अदर एलिमेंट्स आर स्टेबल, अदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्टेबल। अगर आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स की पूरी माया को जान चुके हैं तो अब जानना होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। इसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज को जानना होगा। काफी छोटा चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, इस वीक में इस चैप्टर को हम डेफिनेटली कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैप्टर्स को रिवाइज जरूर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।